काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक बच्चा के जन्म के खुशी मातम में बदल गए। जानकारी के मुताबिक गाय का बचावे के चक्कर में ऑटो पलट गया, जिसके बाद ट्रेलर के द्वारा ऑटो का 100 मीटर तक घसीटा गया। ये घटना में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम कही थे शुरू कही थी। बड़ी खबर से बता दी कि नेशनल हाईवे 43 पर शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसा सामने आवा। हादसा में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक में माँ बेटी 2 बेटी समेत एक अन्य रिश्तेदार शामिल है। सड़क हादसा शहडोल अमलाई मार्ग में पकरिया गाँव के समीप हादसा के बाद ट्रेलर के द्वारा लगभग 100 मीटर तक ऑटो को अपने साथ हाईवे पर घसीटा गया। बुढ़ार थाना प्रभारी संजय जायसवाल के मुताबिक धनपुरी नंबर 3 में रहने वाले असवार परिवार ऑटो में सवार होकर जिला अस्पताल से लौटत रहा, तब अचानक हाईवे पर मवेशी आएगा। एक बचावे के प्रयास में ऑटो हाईवे पर पलट गया और अचानक सामने से भारी भरकम ट्रेलर वाहन आएगा। ये दौरान सड़क पर पड़े ऑटो सवार लोगन का ट्रेलर के द्वारा कुचल देगा। TI संजय जायसवाल के द्वारा बतावा गया कि 2 महिला के मौके पर मौत हो गई, जो 40 वर्षीय रोशनी असवार 15 वर्षीय ममता असवार के नाम शामिल है, जबकि रिया असवार और बिट्टू पिता हरिश्चंद उम्र 30 साल अस्पताल ले जाए के दौरान इनकर मौत हुई है। ऑटो चालक कुंज बिहारी त्रिपाठी पिता गोविंद त्रिपाठी 28 साल और नेमचंद्र पिता हरिश्चंद उम्र 35 साल गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटनास्थल में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा बतावा गया कि लोग हाईवे के पास रहे, शहडोल के तरफ से एक ऑटो आवत रहा, जो नेमा हाईवे में दौरान मवेशी कुछ मौजूद रहे, इनका बचाव के फिराक में ऑटो हाईवे में पलट गया। जैसे ऑटो पलटा, सामने से आने वाला तेज रफ्तार ट्रेलर ऑटो से सड़क पर पड़े लोगन का रौंदत करीब 100 मीटर तक उनका घसीटत आगे ले गया। इस दौरान चीख पुकार सुनाई दे लग, लोगन के द्वारा दौड़ के घायलन का बाहर निकालने की कोशिश की, तब तक 2 लोगन की मौत हो चुकी रही। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार रात 10 बजे के लगभग जिला अस्पताल से अपने घर धनपुरी नंबर 3 के खातिर लौटत रहे। परिवार में एक बच्ची के जन्म भर रहा, बच्ची का देखे खातिर ऑटो में सवार होकर जिला अस्पताल आए रहे। पुलिस के मुताबिक लोग आपस में रिश्तेदार हैं। रेस्क्यू के बाद पुलिस के द्वारा ट्रेलर वाहन का जब्त कर लिया गया है, जबकि फरार चालक की गिरफ्तारी के खातिर ADGP के द्वारा 30,000 रुपये की घोषणा की गई है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत क्या दे इजाजत। तो मौके पे ही मौत हो गई थी कुछ लोग की। जो ड्राइवर है टेम्पू का, वो और एक महिला और ये उपचाररत हैं। ट्रक को हिरासत में ले लिया गया थाना प्रभारी द्वारा, परंतु जो उसका ड्राइवर है वो अभी लापता है, लेकिन उसकी पता रसी के लिए मेरे द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया।